शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो, कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। हमारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज सीएम योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता के रूप में दिखे। उन्होंने सदन में नेता विपक्ष अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का एक एक कर करारा जवाब दिया। यूपी विधानसभा में आज गर्मा गर्मी सिर चढ़कर बोल रही थी। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। दरअसल विधानसभा के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य की सुरक्षा को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे कि तभी विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी जी को कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए सीएम ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन विपक्ष पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। सीएम योगी ने गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच की राजनीतिक मतभेद को शिकंजे में लिया। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो, कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हाल ही में हुए राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में सीएम योगी को घसीटने की पूरी कोशिश की, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश यादव के हर सवाल का जवाब मानो पहले से तैयार रखा हुआ था। सीएम ने कहा कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी की तरफ से राजनीतिक संरक्षण था। उस अतीक अहमद की कमर तोड़ने का काम भाजपा सरकार ने किया है। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर मत तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा हाल ही में नेहा राठौर के गाने यूपी में काबा पर योगी आदित्यनाथ ने जवाबी हमला करते हुए कहा, यूपी में बाबा बा। लेकिन मैं कह सकता हूँ आपको, कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना, उस महीने तो हमको है। उससे भी परेशान है, परेशानी तो हर व्यक्ति को समझी जा सकती है।